एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। देखते हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर, साथ में उनके जीके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन संबंधित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार से तो पहले नवाजा जा चुका है और अभी रिसेंटली इनको नए पुरस्कार से नवाजा गया है और उस पुरस्कार का नाम है सियोल पीस प्राइस 2018 नामक पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो इस प्रकार इनको दो पुरस्कार मिल चुके हैं, पहला है चैंपियन ऑफ द अर्थ और दूसरा है सियोल पीस प्राइस 2018। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन संबंधित है सीबीआई के नए निर्देशक। सीबीआई के नए निर्देशक अभी नियुक्त किए गए हैं तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है नागेश्वर राव उनका नाम है, ठीक है, जिनको अंतरिम निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं पुराने निर्देशक कौन थे, तो पुराने निर्देशक का नाम है आलोक वर्मा, जो पुराने निर्देशक थे। और बात करते हैं विशेष निर्देशक कौन थे, तो विशेष निर्देशक है राकेश अस्थाना। तो आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना में कुछ अनबन हो गई थी तो अभी इनको हटा दिया गया है और इनके स्थान पर नए निर्देशक के रूप में नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ये है नागेश्वर राव जो कि नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था खातों खोलने पर, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि खाते नहीं खोल सकता, तो अभी उस प्रतिबंध को रिजर्व बैंक ने हटा दिया गया है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक की बात हुई तो रिजर्व बैंक के गवर्नर हमें पता होना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम है उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस, महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस महासचिव है। बात करते हैं मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है तो वह न्यूयॉर्क में है। बात करते हैं स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत अफगानिस्तान और ईरान, इन तीनों में जो एक पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई है, और कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है तेहरान में, ये आयोजित की गई है। भारत अफगानिस्तान ईरान की पहली त्रिपक्षीय बैठक ईरान में आयोजित की गई है, ठीक है। बात करते हैं अफगानिस्तान, जो आप मैप में देख सकते हो ग्रीन कलर का, तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल है और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो अफगानिस्तान की मुद्रा है। बात करते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो राष्ट्रपति का नाम है अफगानिस्तान के अशरफ गिनी अहमद जई, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है अब्दुल्ला, अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। बात करते हैं ईरान की, जो आप मैप में देख सकते हो ईरान की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी है तेहरान, जहाँ पर ये त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। बात करते हैं ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल, वहाँ की मुद्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है पाकिस्तान तथा रूस से। तो पाकिस्तान और रूस के बीच में एक संयुक्त व्यायाम आरंभ हुआ है, और कौन सा आरंभ हुआ है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है डूब जा उसका नाम है। और कौन सा संस्करण है, तो तीसरा उसका संस्करण है, ठीक है। पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार होता 2016 में और तीसरा संस्करण है 2018 में, ठीक है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की डिटेल हमें पता होने चाहिए, तो पाकिस्तान के जो राजधानी वो है इस्लामाबाद है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान, जो कि क्रिकेटर है, जो इसी साल बने हैं। राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जो कि इसी साल बने, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दोनों इसी साल बने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलते हैं रशिया पर। तो रशिया की जो आप मैप में देख सकते हो, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, चीन, क्षेत्रफल से रशिया। रशिया की बात करें तो रशिया की राजधानी क्या है, तो रशिया की राजधानी मॉस्को, और वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है दिमित्री मेदवेदेव, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा कौन सी है वहाँ पर, तो मुद्रा है रूबल। बात करते हैं वहाँ की संसद, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है क्वेश्चन में एग्जाम्स में, तो वहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा, वहाँ की संसद है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है पीएनबी मेटलाइफ ने एक रिसेंट एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, उस एप्लीकेशन का नाम है कुसी एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है कुसी एप्लीकेशन, जो क्या काम करता है, ये काम करता है आपके जो क्वेश्चन है, जो भी आप क्वेश्चन, तो उसके आपको आंसर्स देगा ऑटोमेटिकली,
आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा कौन सा ऐप, एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन आपका क्वेश्चंस का आंसर देगा। बात करते हैं पीएनबी मेटलाइफ क्या है, तो पीएनबी मेटलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे सन लाइफ इंश्योरेंस है, LIC है ना, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पीएनबी मेटलाइफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित है सागर सम्मेलन। जो सागर सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है, ये वो है गोवा में, और इसका उद्घाटन किसने किया ये इम्पोर्टेंट है, इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और बात करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जिसको आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं गोवा की, तो गोवा को आप मैप में देख सकते हैं, ग्रीन कलर का साइड में है। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, और वहाँ के CM कौन है, तो वहाँ के CM है मनोहर पारिकर CM है, जिनके अभी तबीयत खराब चल रही है, काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। बात करते हैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है मृदुला सिन्हा, गोवा की गवर्नर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित है दुनिया का दूसरा सबसे अंडर इंश्योर्ड देश, इंश्योर्ड देश दूसरा कौन सा है, तो दूसरा देश है अपना भारत, दूसरा सबसे अंडर इंश्योर्ड देश है। बात करते हैं पहला कौन है, तो पहला कौन सा है, चीन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित है चीन की बात करते हैं, चीन की राजधानी है बीजिंग, और वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है Xi Jinping, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और वहाँ की मुद्रा की बात करते हैं, वहाँ की मुद्रा है रेनिंबी, वहाँ की मुद्रा है रेनिंबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत चेक संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग, भारत चेक संयुक्त आर्थिक आयोग की जो सभा हुई है वो कहाँ पर आयोजित की गई है, तो वो सभा आयोजित की गई है प्राग में, ठीक है। कहाँ पर की गई है, प्राग में, जो कि कौन से नंबर की सभा है, वो 11वें नंबर की, भारत चेक संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की 11वें नंबर की सभा है, जो कि प्राग में आयोजित की गई है, ठीक है। तो प्राग किसकी राजधानी है, वो चेक रिपब्लिक की राजधानी है। बात करते हैं चेक रिपब्लिक की, तो चेक रिपब्लिक के जो राष्ट्रपति है, तो उनका नाम है मिलोस जेमान, वहाँ के राष्ट्रपति है। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है अंद्रेज बाबिस, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा है चेक क्रोना करके, वहाँ की मुद्रा है चेक रिपब्लिक की, ठीक है। और आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि चेक रिपब्लिक के ईस्ट में स्लोवाकिया लिखा हुआ है, तो 1993 के पहले चेकोस्लोवाकिया पूरा हुआ करता था, लेकिन 1993 में चेक रिपब्लिक अलग हो गया, साथ में स्लोवाकिया अलग हो गया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए 1993 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित है दीपावली से। अब दीपावली से कैसे संबंधित है, तो दीपावली पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय सीमा दी गई है, और किस चीज़ के लिए दी है निर्धारित सीमा, ये दी गई है फटाखे चलाने के लिए, फटाखे चलाने के लिए निर्धारित सीमा दी है। और सीमा क्या है, रात को 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, यानी कि 8 PM से 10 PM के बीच में ही आप फटाखे चला सकते हो, जो कि निर्धारित सीमा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित है कोरल रीफ की स्थिति एवं संरक्षण, तो कोरल रीफ की स्थिति एवं संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ है बंगाराम आइलैंड पर, ये आयोजित किया गया है बंगाराम आइलैंड पर। तो बात करते हैं बंगाराम आइलैंड कहाँ है, तो बंगाराम आइलैंड है लक्षद्वीप में, कहाँ है लक्षद्वीप पर ये आइलैंड स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित द्वितीय विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे संबंधित है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नाजी परमाणु योजना थी जिसको ख़त्म किया था एक व्यक्ति ने, किसने, एक व्यक्ति ने नाजी परमाणु योजना को ख़त्म किया था, और उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जोआचिम रोनेबर्ग, जोआचिम रोनेबर्ग है उस व्यक्ति का नाम जिसने इस परियोजना को ख़त्म किया था, ठीक है। अब ये चर्चाओं में की है क्योंकि अभी इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, 99 वर्ष के थे ये, तो ये कल इनका देहांत हो गया था, तो कहाँ से रिलेटेड है, किससे संबंध, कौन से देश से संबंधित है, तो संबंधित है नॉर्वे से संबंधित है, ठीक है। और ये जो ये जो योजना थी ये कब ख़त्म करी थी, 1943 के दौरान इन्होंने इस योजना को ख़त्म किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित है यूरोप तथा जापान से। अब यूरोप तथा जापान ने एक संयुक्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय यान बनाया है, क्या, अंतरिक्ष यान बनाया है संयुक्त रूप से मिलकर, यूरोप तथा जापान ने अंतरिक्ष यान बनाया है, उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है, तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान, क्या नाम है, बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान। और इस अंतरिक्ष यान को बनाए तो किसी ग्रह पर जाएगा, तो कौन से ग्रह पर भेजा जाएगा इस अंतरिक्ष यान को, तो इसको भेजा जाएगा बुध ग्रह पर, बुध ग्रह पर इस अंतरिक्ष यान को भेजा जाएगा, ठीक है। अब इस अंतरिक्ष यान को बनाया है तो किसने बनाया इस अंतरिक्ष यान को, तो इसको बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, जो यूरोप से हैं। और जापान से कौन सी है, तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो JAXA, जापान
एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, यानी JAXA, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है विराट कोहली, विराट कोहली से संबंधित है। तो विराट कोहली से कैसे संबंधित है, अभी इन्होंने क्या है, विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले। तो ये इन्होंने कब बनाए, अभी 2018 में, कल के जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच हुआ था तो उसके खिलाफ इन्होंने बनाया है, जो कि अभी टाई हो गया है वो मैच फिलहाल, इंडीज वेस्ट इंडीज, और काफ़ी रोमांचक मैच बन गया था, ऐसा लग रहा था इंडिया जीत जाएगी। तो बात करते हैं कौन सी पारी थी ये, तो कौन सी पारी में इन्होंने बनाए हैं 10,000 रन, तो बनाए हैं 205वीं पारी में इन्होंने अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। 205वीं पारी में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं विराट कोहली ने, सबसे तेज एक दिवसीय क्रिकेट में। बात करते हैं सचिन, क्योंकि सचिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सचिन ने क्या ही 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी 259वीं पारी में, कौन सी 259वीं, और अपनी पारी में 10,000 रन पूरे किए थे, और विराट कोहली ने मात्र 205वीं पारी में ही कर लिए थे, ठीक है। विराट कोहली ने 205वीं और सचिन ने 259वीं पारी में अपने 10,000 रन पूरे किए थे, ठीक है। यही विराट कोहली सभी जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है मैं नहीं हम, जो मैं नहीं हम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, और कहां पर लॉन्च किया है, दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। अब लॉन्च किया है तो इसका कुछ उद्देश्य भी है, तो इसका उद्देश्य क्या है, यह एक IT पेशेवर एवं संगठन के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समाज के प्रति जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको एकजुट करेगा, उनको एक साथ करेगा, साथ में कुछ जो भी उनके प्रयास, उनको एक साथ इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। जो भी कुछ करना चाहता है समाज के लिए, कुछ अपने प्रयास है, उन प्रयासों को एक जगह एकत्र करेगा, साथ में उसको फिर इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि वो जो उनके प्रयास अच्छी तरह से इफेक्टिव हो सके, ठीक है। क्या नाम है पोर्टल का, तो उस पोर्टल का नाम है मैं नहीं हम। किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहाँ लॉन्च किया, दिल्ली शहर में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है इसराइली मिसाइल रक्षा प्रणाली। अब इसराइली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसके लिए भारत ने इसको खरीदा है, कितने का, जो कितने का सौदा हुआ है, वो तो सौदा हुआ है $777 मिलियन का ये सौदा हुआ है भारत के साथ इसराइली मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए, ठीक है। बात करते हैं इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI ने भारत नौसेना में 7 जहाजों को LRSAM, कौन सी LRSAM वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के लिए $777 मिलियन का अनुबंध प्राप्त किया है। कितने डॉलर का, $770 मिलियन का अनुबंध प्राप्त किया है, और इस अनुबंध में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके साथ है, जो कि मुख्य कॉन्ट्रैक्टर है इस अनुबंध में। BEL एक मुख्य कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। और जो LRSAM जो मैंने एक टर्म बोली है, ये किसका हिस्सा है, एक बराक 8 का ही हिस्सा है। अब मैंने बराक 8 बोला है, तो बराक 8 क्या है, तो बराक 8 क्या है, कुछ नहीं है, एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो इज़राइल में तथा भारत की सेनाओं में, जैसे सेना, सभी सेना, जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनमें यूज़ होती है, एक मिसाइल प्रणाली है बराक, और LRSAM भी एक मिसाइल प्रणाली है जो बराक 8 का हिस्सा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इज़राइल का नाम लिया है, तो इज़राइल की जो राजधानी है क्या है, उसका नाम है जेरूसलम, वहाँ की राजधानी है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वहाँ की मुद्रा है इज़राइल की, तो इज़राइली न्यू सेकेल वहाँ की मुद्रा है। तो ये हो गया अपने 25 अक्टूबर के करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपके जो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, अगर अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी GK अच्छे से करना चाहते हैं, अपने करंट अफेयर अच्छे से करना चाहते हैं, तो इस चैनल के वहाँ पर शेयर करें वीडियोज़ को, वो भी अपने चैनल को जुड़ सकें, ताकि उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सके। और साथ में इस चैनल पर इंग्लिश के भी लेक्चर देता हूँ, जो कि मैं कल से बहुत अच्छे से बोर्ड पर समझाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, जहाँ पर नाउन एडजेक्टिव वर्ब से अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से आपकी इंग्लिश को कवर कर पाएंगे। तो जिसकी भी इंग्लिश वीक है, या इंग्लिश बोलना चाहता है, सीखना चाहता है, एग्जाम के लिए सीखना चाहता है, किसी के लिए भी, तो कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स कराएंगे। तो आप कल से जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनको भी देखिए, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको भी आप शेयर करें। मैंने पिछले वीडियो भी डाले इंग्लिश के, तो मैंने पहले रजिस्टर में समझा रहा था, जो कि मेरे को ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था आप लोगों का, तो इसलिए मैंने उसको बोर्ड पे लाया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप अच्छे से सीख सकें इंग्लिश को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियोज़ को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।